हल्द्वानी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी बीच जल जनित रोगों की भी भरमार हो गई है। जहां डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहीं अन्य संक्रामक बीमारियां भी तेजी से फैल रही है। बेस हॉस्पिटल की ओपीडी में रोजाना 1,000 से अधिक मरीज आ रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोग बुखार से पीड़ित हैं और वर्तमान में बेस हॉस्पिटल में डेंगू के 21 मरीज भर्ती हैं। बेस हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि रोजाना 1,000 से अधिक मरीजों को डॉक्टर देख रहे हैं। इसके अलावा मरीजों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे डेली 1,000 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं और मंडे ट्यूजडे काफी रश रहता है, वीकेंड में थोड़ा कम हो जाता है। और फीवर के पेशेंट काफी आ रहे हैं, मेडिसिन में सबसे ज्यादा भीड़ है। आज के दिन डेंगू में हमारे पास मॉर्निंग रिमेडियम में 21 पेशेंट है और दवाइयों की भी ऐसी पूरी व्यवस्था है हमारी, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्लेटलेट्स बन रहे हैं। इस समय तो फीवर ज्यादा है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और कुछ डायरिया के पेशेंट हैं। व्यवस्था है हमारे पास, मेन तो बेड्स की हैं, तो हमने फिलहाल तो हमने 24 तक का तो रिजर्व कर ही रखा है। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम एक्सपेंड करेंगे उसको। मॉस्किटो नेट्स हैं, दवाइयाँ होनी चाहिए, इंजेक्टेबल पैरासीटामोल और ये सारी चीज़ें, फ्लूड्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सारी इस समय कोई इशू नहीं है हमारे पास अवेलेबल।